2018 सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का कमाल कर रहा, और बड़ी बात तो यह है कि 2019 में आते ही सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ, वो बड़ा रिकॉर्ड हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और चांदनी सिंह का एक गाना जरूर सुना होगा। गाने का नाम है मिलते मरद हमका भूल गयलू, जिसे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह ने मिलकर गाया था। इस गाने को पवन पांडे ने लिखा था, इसका म्यूजिक कंपोज किया था शंकर सिंह ने, और अब इस गाने ने भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, इस गाने को फिलहाल 20 करोड़ लोगों ने देख लिया है, 200 मिलियन लोगों ने इस गाने को देख लिया है। पहले हमने देखा राते दिया बुता के दो पार्ट में उसे रिलीज किया गया था, और दोनों ही मिलाकर भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला गाना बना जिससे 20 करोड़ लोगों ने देखा। उसके बाद दूसरा गाना था छलकत हमार जवनिया, जो पवन सिंह और काजल राघवानी के बीच गाया गया था। ये गाना बहुत ही बेहतरीन था। और अब खेसारी लाल यादव का तीसरा गाना बन चुका है 20 करोड़ व्यू के अंडर में, जो गाना आ चुका है। आपको बताना चाहेंगे, ये गाना बहुत ही जबरदस्त है। इस गाने को 2017 में रिलीज किया गया था। जी हाँ, 2017 के अंतिम महीने में इस गाने को रिलीज किया गया था, और 2019 में मतलब एक साल एक महीने के अंदर इस गाने ने 20 करोड़ व्यू हासिल किए हैं। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का। हमने कुछ दिन पहले देखा था सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का कोई गाना 10 करोड़ व्यू नहीं क्रॉस किया, लेकिन आने वाले दो ही महीने के अंदर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का गाना 20 करोड़ व्यू क्रॉस हो चुका है। 200 मिलियन व्यू सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के गाने को मिल चुके हैं। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव 200 मिलियन के स्टार बन चुके हैं। बड़ी खबर यह है कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव 200 मिलियन के अंडर में आ चुके हैं। 20 करोड़ लोग खेसारी लाल यादव के गाने को सुन चुके हैं। बहुत ही बड़ी बात है। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के इस महान और बड़े रिकॉर्ड को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।